ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम है लाखों इंसान है। क्या दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम है कि लाखों इंसान है। हेलो गाइज, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, विटामिन की, जहां से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमने इस सामान्य विज्ञान की सीरीज में क्या क्या पढ़ लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ लिया है, प्रोटीन को हमने पढ़ लिया है और वसा को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उनकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जो है सारी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि विटामिन आपकी बॉडी को क्यों आवश्यक होते हैं। तो आपकी बॉडी के जितने भी कोशिकाएं और ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत के लिए आपको विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक इनका जो है सामान्य स्तर, सामान्य लेवल रहता है, जहां तक आप जो है इस विटामिन का उपयोग में लेते हैं। खाद्य स्रोतों से ये विटामिन मिलते हैं। आप जो अपने भोजन में किस तरीके का खाद्य स्रोत आप यूज कर रहे हैं, तो उनसे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर विटामिन मिलेगा। बात आती है विटामिन की, तो विटामिन की खोज सबसे पहले जो है किसने की थे, तो खोज की बात करते हैं, तो खोज की है आपके लूनिन ने। किसने की है, ध्यान रखिएगा, लूनिन ने। और कब की है, तो 1886 में की है। बात आती है शब्द की, कि जो विटामिन शब्द है ये दिया किसने है, तो ध्यान रखिएगा, सी फंक नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने आपके 1912 में विटामिन शब्द को डिस्कवर किया। ठीक है, विटामिन शब्द दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये बने किससे होते हैं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो विटामिन है ये किस तरीके से आप इनका यूज ले सकते हैं या इनका यूज कर सकते हैं। तो आप जो है, मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये जो है हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो विटामिन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा यहां से। बात करते हैं कितने प्रकार के विटामिन हमें देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, 7 प्रकार के विटामिन हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने जो है 6 प्रकार के विटामिन देखे होंगे, लेकिन एक विशेष बहुत शानदार वाला अच्छा वाला विटामिन जो कि आपके एग्जाम में जगह बनाता है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से कितने प्रकार के होते हैं, तो ए बी सी डी ई और के और पी। पी विटामिन की हम यहाँ विशेषता बात करने वाले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तक आपने नाम सुना होगा दो ही प्रकार का, ठीक है, वसा में विलेय और जो है जल में विलेय। लेकिन आज हम एक नए टाइप की बात करेंगे, जिसका नाम यहां पर देखने वाले हैं हम सबसे पहले। तो विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, आधार पर विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार की हम बात करने वाले हैं यहां से। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील, या मैं कह सकता हूं यहां पर कि वसा में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वसा में अघुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बी सी विटामिन आपके किस में है, जल में घुलनशील विटामिन है, या हम कह सकते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन ही आपके पास में आता है। याद कैसे रखें सर, तो ध्यान रखिएगा, एक नाम है भैंस पानी में गई। ठीक है, क्या नाम है, भैंस पानी में गई। ठीक है, ब से ध्यान रखना है, ब बी और स से ध्यान रखना है सी। ठीक है, भैंस कहां गई, पानी में गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरे नंबर पर कौन सा विटामिन आता है हमारे पास में, तो वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, ए डी ई और के और पी। ठीक है ना, क्या नाम है, ए डी ई और के और पी। पी जो विटामिन हमने विशेषता देखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा विशिष्ट विटामिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो जी है पी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम, ट्रिक ध्यान रखिएगा, यहाँ से ट्रिक क्या बनती है हमारे पास में, तो आ देख पी किससे कह रहा है, भैंस से। ठीक है, आ देख पी, आ देख पी। ठीक है, आ देख
स्पीड। कौन से विटामिन हो गए? वसा में घुलनशील। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के प्रकार की हम बात करने वाले हैं जो कि घुलनशीलता के आधार पर है या विलेयता के आधार पर है, ठीक है। तो उसको हम बात करते हैं वसा व जल में घुलनशील। वसा व जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आते हैं आपके पास में? वसा व जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। आजकल जो है यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आजकल जो है नए टाइप से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, तो इसको विशेषतः आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, कौन कौन से हैं विटामिन आपके पास में, तो ध्यान रखिएगा B7, जिसको हम एच विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो वसा और जल दोनों के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा है? B7, मतलब एच विटामिन जो है आपके वसा और जल दोनों में घुलनशील विटामिन है। अब यहां से हम बात करने वाले हैं सबसे नंबर वन विटामिन ए की। विटामिन ए की आज इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं। अगर आप यहां पर जो है पेन और रजिस्टर लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लेके बैठिए, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए, आप उन चीजों को जो है नोट कर सके। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए की सबसे पहले, ठीक है। विटामिन ए की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। विटामिन ए का सबसे पहले देखते हैं हम इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो खोज की बात करें तो मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने की है। किसने की है? मैकुलन ने की है। दूसरे नंबर पे बात करें रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है भैया, क्या हो जाता है? रेटिनोल। क्या नाम है इसका? रेटिनोल। रेटिनोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। फिर बात आती है इसके खाद्य स्रोत की, कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हम खाएं कि हमें क्या मिल जाए, यहाँ से विटामिन ए मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए। तो पके आम आपको खाने चाहिए, जिससे आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको गाजर खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। उसके बाद में आपको पपीता खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो अंडा, ठीक है, अंडा खाना चाहिए। अंडे का जो पीला भाग है उसमें प्रोटीन की मुख्यतः अच्छी मात्रा पाई जाती है। दूसरी चीज आती है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आपको लेना चाहिए। उसके बाद में आता है चावल, चावल आपको खाना चाहिए, ठीक है। गाय का दूध विशेषतः आपकी विटामिन के लिए अच्छा स्रोत है, ठीक है। गाय का दूध की हम यहां से बात कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत है। तो ध्यान से देखिएगा, पका आम और गाजर, पका आम और गाजर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल यहां पर जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो देखिए सबसे नंबर वन अगर आपको ऑप्शन में नजर आता है पके आम, तो नंबर वन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन आपके पके आम हो जाएगा। और सेकंड अगर पके आम ऑप्शन में नहीं दिखता है आपको, तो सेकंड इज राइट हो जाएगा आपके पास में गाजर, ठीक है। फर्स्ट में तो पके आम होगा, लेकिन सेकंड में क्या होगा? गाजर होगा। बात करते हैं इसके रोग। अगर मान लो विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी को हो जाएगी तो कौन कौन से रोग हमें जो है देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे मेन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है रतौंधी रोग, ठीक है, रतौंधी रोग। लेकिन ये क्या है, काफी जो है पुराना हो चुका है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले यहाँ पे जीरोक्थेल्मिया, जीरोक्थेल्मिया रोग भी आपको देखने को मिलता है विटामिन ए की कमी से। फिर आ जाता है आपके पास में डर्मेटोसिस, ठीक है। फिर कौन सा जाता है? डर्मेटोसिस रोग आ जाता है आपके पास में, डर्मेटोसिस रोग। अब बात करते हैं विटामिन ए जो है उसकी कमी से महत्वपूर्ण रोग है रतौंधी। अब रतौंधी होता क्या है, रतौंधी में क्या जो है लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना है रेटिना, आपकी जो रासायनिक नाम है वो यहीं से आया है, ठीक है। आंख से संबंधित ये जो है विटामिन है, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो आपके विटामिन ए है। रतौंधी की बात करें तो रेटिना और रस से रतौंधी, दोनों के दोनों इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब आंख में देखो आपके पास में दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है? दो तरीके की। दो तरीके की कोशिकाएं कौन कौन सी? एक होती है शलाका, एक होती है शलाका और एक होती है शंकु कोशिकाएं, ठीक है। शलाका और शंकु कोशिकाओं की यहां से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। शलाका क्या होती है? तो जो रात्रि में दिखाई देती है या रात्रि में देखने के लिए मदद करती है, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं शलाका कोशिकाएं। और जो दिन में देखने की मदद करती है उन कोशिकाओं को कहते हैं शंकु कोशिकाएं। अब यहां से शलाका और शंकु दोनों की चीज यहां जो है बात आ रही है शलाका और शंकु की। तो ये जो रोग है रतौंधी रोग, ये शलाका में कमी के कारण या शलाका में कोई खराबी आ जाती है तो उसके कारण रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें आपको रात्रि में या मंद प्रकाश में जो है आपको दिखना बंद हो जाता है या कम धुंधला दिखता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि शलाका जो रोग है ये किस तरीके से, मतलब किन किन में पाया जाता है, शलाका में किस तरीके से खराबी देखने को हमें मिल जाती है यहां से। तो देखिए यहां से ध्यान से देखना आप,
कि जो सलाका है ये तो आपके किसमें, जो मुर्गा मुर्गी होते हैं जी, ठीक है, जो सुबह का अलार्म होते हैं, मॉर्निंग का अलार्म होते हैं, उन मुर्गा मुर्गी में, मुर्गा और मुर्गी में, मुर्गा मुर्गी में क्या होते हैं ये सलाका, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भैया? अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए इन मुर्गा मुर्गियों को क्या है, रात में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में क्या नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें बात करें शंकु में, ऐसा कौन सा उदाहरण हमारे भाष में आता है जिसमें शंकु जो है अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है? तो उल्लू में, ठीक है, जो उल्लू होता है उनमें क्या नहीं पाया जाता है, आपके शंकु नहीं पाया जाता है। इसीलिए दिन के समय, दिन के समय इन उल्लुओं को जो है क्या नहीं दिखता है, दिन के समय दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उल्लू को दिखाई नहीं देता है। अब बात करें कि सलाका में कमी से तो आपके रतौनी रोग होता है, सलाका में खराबी से तो रतौनी रोग होता है, लेकिन शंकु में खराबी से कौन सा रोग होगा? तो शंकु में खराबी से वर्णांधता रोग, आपने नाम तो सुना ही होगा, वर्णांधता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वर्णांधता रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को तेज प्रकाश और रात्रि में जो है दिन के समय और तेज प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, देखो, लाल व हरे प्रकाश में जो है क्या नहीं कर पाते हैं, ये विभेद नहीं कर पाते हैं, लाल व हरे प्रकाश में क्या नहीं कर पाते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम करने वाले हैं, तो संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है, तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। तो यहां से ये बातें आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। बात आती है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहां होता है, मतलब विटामिन ए का निर्माण कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा एकरत के अंदर, कहां होता है, एकरत के अंदर। दूसरी बात आती है कि विटामिन ए का अवशोषण हमारे शरीर में कहां होता है, भाई तो ये होता है आपके छोटी आंत में, कहां होता है संश्लेषण, ये अवशोषण छोटी आंत में, हमारे आमाशय का जो हमारी आहार नाल है उसका एक अंतिम भाग आता है छोटी आंत, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, अवशोषण होता है विटामिन ए का। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि विटामिन ए के ऊपर है, यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, आगे की आपको कोई भी एक्स्ट्रा अगर वीडियो चाहिए या एक्स्ट्रा टॉपिक पे आपको पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ताकि दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।